वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट सुपर सेंस। आज हम सुपर सेंस के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंस। सेंस फाइव टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सी, इसका ऑर्गन है आई। हम आंखों से देखते हैं, जैसा कि आप क्लास में देखते हो कि आपका फ्रेंड कहाँ बैठा है, सेकंड सीट पे बैठा है या लास्ट सीट पे। तो ये हम आंखों से देखकर पता कर लेते हैं कि हमारा फ्रेंड कहाँ बैठा है। सेकंड इज हियर, इसका ऑर्गन है ईयर। हम कानों से सुनते हैं। अगर आपको आपका फ्रेंड आवाज देता है तो आप अपने कानों से सुनकर पता कर लेते हो कि हमें हमारा फ्रेंड आवाज दे रहा है। और अगर पीरियड ओवर होने के बाद बेल लगती है तो उसकी आवाज भी आप ईयर से ही सुनते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हमारा इस सब्जेक्ट का पीरियड ओवर हो चुका है। थर्ड इज टेस्ट, इसका ऑर्गन है टंग। आप जैसे कि आइसक्रीम खाते हो तो आपको उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और आपकी मम्मा ने अगर आपको बिटर गार्ड यानी कि करेले की सब्जी खाने में दी तो आप बोलोगे कि इसका टेस्ट तो बहुत ही कड़वा है। तो हम अपनी टंग से टेस्ट का पता कर लेते हैं कि ये मीठा है, तीखा है या कड़वा है। फोर्थ इज स्मेल, इसका ऑर्गन है नोज। हम अपनी नाक से स्मेल का पता कर लेते हैं। जैसे आपकी मम्मी किचन में कोई अच्छी सी डिश बनाती है तो आप झट से किचन में जाओगे और मम्मा से बोलोगे कि मम्मा आज तो आपने बहुत अच्छी डिश बनाई है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और अगर आप कहीं गैरबेज के पास से या डस्टबिन के पास से गुजरोगे तो आप अपने हैंकरचीफ से अपनी नोज को कवर कर लोगे कि बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। तो आप अपनी नोज से पता कर लेते हो कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है। फिफ्थ इज फील, इसका ऑर्गन है स्किन। हमारी स्किन से हमें पता चल जाता है कि हमें किसी ने काटा है या कोई हमें टच कर रहा है, हमें ठंड लग रही है या हमें गर्मी लग रही है। तो हम अपनी स्किन से ये फील कर लेते हैं कि हमें क्या हो रहा है। सेंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, बट एनिमल जो होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के सेंस पाए जाते हैं। जैसे कि कोई एनिमल तेज देख सकता है, कोई तेज सुन सकता है। They can see, वो देख सकते हैं, hear and feel, सुनते भी हैं और feel भी करते हैं। The animal world is full of example of amazing senses. Animal का जो world है, वो इसका एक amazing examples है। First, ant. Picture में आप लोग देख रहे हो कि एक ant जा रही है, उसके पीछे पीछे सारी ants जा रही है। An ant was going alone on the ground. एक अकेली चींटी ग्राउंड में जा रही है। It saw a group of ants coming from the other side. तभी हम देखते हैं कि अदर साइड से वहां पर उसके पीछे पीछे और भी ants आ गई है। The first ant quickly came back to its hole. जैसे ही first ant उसके hole से बाहर आती है, the ant guarding the hole recognized it and let it in. जैसे ही वो गार्ड आंट हॉल में से बाहर आती है तो उसके पीछे पीछे सारी आंट्स आ जाती हैं। बिकॉज वो अपने पीछे एक स्मेल सी छोड़ती जाती है, तो बाकी जो आंट्स होती है वो उसको सूंघती हुई उसके पीछे पीछे चली जाती है, इसीलिए उनकी एक लाइन सी बच जाती है। सेकेंड इज डॉग। डॉग तो आप सभी ने देखा ही होगा, पिक्चर्स में भी आप लोग देखते हो डॉग का क्या यूज होता है। डॉग हैव स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल। डॉग की जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ही तेज होती है। ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स, सर्च आउट बॉम्ब्स एक्सेट्रा। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या किसी सीरियल्स में कि जो पुलिस होती है वो क्रिमिनल्स को पकड़ने में या कहीं पे बॉम्ब छुपा हुआ है तो उनको ढूंढने में डॉग्स का हेल्प लेती है। तो डॉग की जो सेंस होता है वो स्मेल वाला, वो बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे साउंड एंड मैसेज। हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वॉर्न्स अदर्स बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। लंगूर जो होता है वो अपने फ्रेंड्स को एक अलग अलग आवाज निकालकर वार्निंग देता है कि जैसे कि पेड़ के नीचे से कोई टाइगर निकल रहा है, कोई लियोपर्ड निकल रहा है, तो उनके यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि ये डेंजर है। तो वो अपने फ्रेंड्स को एक अलग तरह से एक आवाज निकाल कर उनको अलर्ट कर देते हैं। अब आती है डॉल्फिन्स।
डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड मैसेज टू ईच अदर. डॉल्फिन्स अपनी तरफ आता हुआ डेंजर देखकर अदर डॉल्फिन्स को अलर्ट कर देती है कि डेंजर हमारी तरफ आ रहा है. वो अपने पानी में एक साउंड मैसेज भेजती है, वो पानी में वाइब्रेशन के थ्रू उनकी तक चला जाता है और अदर डॉल्फिन्स ये फील कर लेती है कि डेंजर हमारी तरफ आ रहा है और वो पानी में डीप में जाकर छुप जाती है. स्लॉथ, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लॉथ, लुक लाइक बियर. स्लॉथ हमें बियर की जैसा यानी कि भालू के जैसा दिखता है. लाइव 40 इयर्स, यह इसकी जो एज होती है वो 40 इयर्स की होती है, यानी कि ये लगभग 40 साल तक जीवित रहता है. स्लीपिंग टाइम 17 आवर्स, 24 आवर्स में से ये 17 आवर्स तक सोता ही रहता है. रिलीव इटसेल्फ वन टाइम इन वन वीक, ये अपने आप को एक सप्ताह में पेड़ पर से सिर्फ एक ही बार आकर अपने आप को रिलीव करता है. चेंज ट्रीज 8 times इन देयर लाइफ, ये अपनी लाइफ में सिर्फ 8 trees ही चेंज करता है. ये इतना लेजी होता है कि ये पूरा वीक एक ही पेड़ की एक जैसी पत्तियां खाता रहता है, उसी पर रहता है, उसी पर सोता है. ये बहुत ज्यादा लेजी होता है, हमेशा सोता ही रहता है, बस ये 7 hours ही जागता है, इसलिए इसको बहुत लेजी एनिमल बोला जाता है. अब हम टाइगर के बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज द पिक्चर ऑफ टाइगर, द मोस्ट अलर्ट एनिमल. टाइगर जो है वो मोस्ट अलर्ट एनिमल होता है. जैसा कि हमने स्लोथ के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत लेजी एनिमल होता है, बट ये टाइगर उसका अपोजिट होता है, ये है मोस्ट अलर्ट एनिमल होता है. इट्स रॉर कैन बी हियर्ड अप टू 3 kilometers. इसकी जो रॉर होती है, इसका जो दहाड़ना होता है, वो हम 3 kilometers दूर से भी सुन सकते हैं कि टाइगर ने रॉर किया है. इट्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, इसकी जो सुनने की शक्ति होती है बहुत तेज होती है. जब फॉरेस्ट में कोई छोटा एनिमल घास में चलता है तो उसको ये फील कर लेता है कि कोई शिकार मेरी तरफ आ रहा है और ये एकदम से अलर्ट हो जाता है उसका शिकार करने के लिए. टाइगर कैन सी 6 times मोर बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ एनिमल्स. टाइगर जो होता है वो नाइट में अदर एनिमल्स की बजाय अपने शिकार को अच्छे से देख पाता है. वैसे तो सभी एनिमल देख सकते हैं, बट टाइगर का जो सेंस ऑफ सी होता है वो सभी एनिमल से थोड़ा तेज होता है. ओके, इट्स योर होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 5 things whose स्मेल यू लाइक एंड 5 things whose स्मेल यू डोंट लाइक. आपको फर्स्ट वाले कॉलम में जो जो आपको अच्छे से जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है वो लिखना है, और सेकेंड कॉलम में आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, और जो जो स्मेल आपको नहीं पसंद है, जैसे आपने लेसन में पढ़ा था कि गैरबेज की स्मेल है वो आपको नहीं पसंद है, तो आपको ये सेकंड वाले कॉलम में 5 things लिखना है जिनकी स्मेल आपको नहीं पसंद. मैच दीज, फर्स्ट डॉग, सेकंड टाइगर, थर्ड स्लॉथ, फोर्थ हियरिंग, फिफ्थ यूजेस डिफरेंट साउंड्स. आपने इन सभी के बारे में चैप्टर में पढ़ा है कि डॉग का क्या वर्क है, टाइगर कैसा होता है, वो क्या करता है, स्लोथ किस टाइप का एनिमल है, हियरिंग क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट साउंड का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये आपको मैच करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 2 sentences अबाउट डॉग, टाइगर एंड स्लोथ. जैसा कि हमने लेसन में एनिमल्स के बारे में पढ़ा है कि डॉग का यूज क्यों करते हैं, उसकी कौन सी पावर स्ट्रांग होती है, टाइगर कैसा एनिमल है, स्लोथ किस टाइप का एनिमल है, तो आपको अपने मन से इनके बारे में 2 sentences बनाने हैं. और अगर आपको कोई डाउट हो या आपके माइंड में और क्वेश्चन आता हो इनको लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा. गुड बाय.